दोस्तों नमस्कार, मैं इंजीनियर अशोक कुवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। दोस्तों आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ पर पतंग उड़ाकर खुशियाँ मनाई जाती है, तो हम पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ छत पर। ये देखो, ये पतंग उड़ा रहे हैं। दोस्तों पतंग उड़ाते समय एक साधा जो साधा मंजा है वो यूज करें, ये चाइनीज मंजों का प्रयोग ना करें, ये हमारी लिए बहुत नुकसानदायक रहता है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो इसे हम संक्रांति कहते हैं। और चूंकि ये धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए हम इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं और मकर संक्रांति के नाम से ही मनाते हैं। दोस्तों हमारे देश में इस पर्व को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उधर साउथ में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है, जबकि राजस्थान में, गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ गुड़ और तिल के लड्डू बनाने की और खाने की बड़ी परंपरा रही है, जिसे हम बखूबी निभाते हैं। दोस्तों इसका एक साइंटिफिक भी रीज़न है कि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य का तेज बहुत बढ़ने लग जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके भी रखता है, तो इसका यह एक साइंटिफिक रीज़न भी है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन से हमारे यहाँ शुभ कार्यों की प्रारंभ हो जाते हैं, शुरुआत हो जाती है, मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जो पीछे ये मल मास का महीना रहा है एक महीने तक, उसमें हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है, तो इसलिए मकर संक्रांति के दिन से ही ये हमारे यहाँ 2019 मकर संक्रांति का ये पहला पर्व है, और आज से ही हमारे यहाँ से मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों यह हमारे इस साल का पहला त्यौहार है मकर संक्रांति, इसको बड़ी खुशियों के साथ पतंग उड़ाकर खूब मनाइए। दोस्तों एक बार फिर मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।